इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम इकोनॉमिक अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कौन कौन सी होती है, उनको हम कितने सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं और किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, लेट अस स्टार्ट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, इसको तीन सेक्टर में डिवाइड किया गया है, हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अब जो प्राइमरी सेक्टर है इसके अंदर हमारा क्या आता है, फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मतलब कि हम नेचर से जो भी हमें मिलता है वो हमारा सारा का सारा किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर। मतलब कि एक तरह से ये सारा का सारा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। इसमें पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, एनिमल रियरिंग हो गया, मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन निकालना, ऑयल निकालना, ये सारी की सारी प्राइमरी में आएंगे। अब दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। अब जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके अंदर आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। मान लो हमने क्या किया, प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर से क्या लिया, रॉ मटेरियल लिया और उसको क्या कर दिया, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बना दिए। जैसे कि वीट है, वीट से हमने बिस्किट्स बना दिए, ब्रेड बना दिए, अलग अलग तरह के। मतलब जैसे मिल्क, क्या मिल्क लिया हमने, मिल्क से हमने मिल्क प्रोडक्ट बना दिए। तो ये सारी की सारी जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ लगा के, इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, मशीनों के थ्रू हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, हमारा सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर से। अब थर्ड है, जैसे इसको हम मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी भी बोल रहे हैं, ये भी हमारा किसका, सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल है। अब जो नेक्स्ट है हमारा टर्शियरी सेक्टर। अब जो टर्शियरी सेक्टर है ये ना तो खुद मैन्युफैक्चर करता है और ना ही ये प्रोडक्ट निकालता है, बल्कि ये क्या करता है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज ये बेस प्रोवाइड करता है प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। जैसे कि हमने प्राइमरी सेक्टर में क्या निकाला, रॉ मटेरियल निकाला, मान लो आयरन ओर निकाल लिया, उससे हमने क्या बना दी, मैन्युफैक्चरिंग में बसेस बनाई, ट्रेन बनाई, ट्रक्स बना दिए, शिप बना दी, एरोप्लेन बना दिया। अब ये जो मैन्युफैक्चर की गई चीज़ें, ये किस लिए की गई, ये हमें क्या करेगी, सर्विस प्रोवाइड करेंगी। जो रेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। अब ट्रक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ढो सकते हैं। अब साथ के साथ कंपनी ने जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की वो क्या करेगी, इसको हमें प्रोवाइड करेगी, बिस्किट बनाए उनको सेल करेगी। अब जो सेल कर रही है जो कंपनी, वो क्या कर रही है, हम उस सामान को यूज़ करेंगे तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, क्योंकि सारी की सारी जो हैं चीज़ें हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अब जो टर्शियरी सेक्टर है इसके अंदर हम कंज्यूमर हैं। इसके अंदर टीचर्स, डॉक्टर, पुलिसमैन, कुकर, ये ड्राइवर, बिल्डर, ये सारे के सारे क्या हैं, टर्शियरी सेक्टर के अंदर आते हैं। जैसे बैंक हो गया, एजुकेशन हो गई, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट, ये सारी की सारी हमारी क्या है, टर्शियरी सेक्टर की में आती है, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, ये किस में हेल्प करती है, हमारी नेशनल इनकम बनाने में हमारी हेल्प करती है। जो हमारी नेशनल इनकम बनाने में हेल्प करती है, हम उन एक्टिविटीज़ को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी होंगी, इसमें इकोनॉमिक में मार्केट एक्टिविटी होती है और नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब जो मार्केट एक्टिविटी होती है, जैसे कि ये मार्केट एक्टिविटी है, अब ये जो लोग सेल कर रहे हैं, जो ये सामान बेच रहे हैं, किस लिए बेच रहे हैं, ताकि इनको रेम्यूनरेशन मिले, मतलब कि मुनाफा मिले, इनको फ़ायदा हो। और ये क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है प्रॉफिट के लिए की जाती है। मान लो आप कोई भी काम शुरू करते हो, वो किस लिए करोगे, प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे कि ये सारी की सारी हमारी कैसी है, मार्केट एक्टिविटीज़ हैं। अब जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती है, इसमें हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी सर्विसेज देंगे, वो हम प्रोड्यूस करेंगे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने आप के लिए। मान लीजिए आपने घर पे केक बनाया, तो वो क्या किया,
आपने खुद केक बनाया वो किसके लिए? अपनी परिवार के लिए या अपने लिए। तो ये कौन सी है? नॉन मार्केट एक्टिविटी। जब कोई शॉपकीपर है वो सामान बेच रहा, मान लो केक की बेकरी है, केक बना के बेच रही है, वो कौन सी है? मार्केट एक्टिविटी है। अगर आपने घर पे केक बनाया वो क्या है? नॉन मार्केट एक्टिविटी है। ऐसे ही जो कई किसान क्या होते हैं, जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती है, वो उसके ऊपर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और उसको क्या करते हैं, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही रख लेते हैं, वो कौन सी है? नॉन मार्केट एक्टिविटी। एग्जांपल, आपका हाउसवाइफ है, घर का सारा काम कर रही है, तो नॉन मार्केट एक्टिविटी है। अगर हमने मेड लगा रखी है, मेड हमारा घर का सारा काम करके जा रही है, उसको बदले में हम क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं, वो कौन सी एक्टिविटी है? मार्केट एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी दो तरह से बांटा गया, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के हमने बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जैसे कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी करते हैं हम अपनी खुशी के लिए, फैमिली के लिए, बल्कि फैमिली की ओब्लिगेशंस होती है कि ये मत करो, फैमिली का प्यार, ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। हम किसी भी रिलीजन को अपनाते हैं, उसके फंक्शंस करते हैं, जैसे कि दिवाली आती है, दिवाली को आप सेलिब्रेट करते हो, तो वो कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सोशल वेलफेयर, बल्कि हम अपने आसपास के एरिया की भलाई के लिए कुछ काम करते हैं, या किसी के ऊपर दया दिखाते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं, तो वो किस में आएगी? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।